ये क्या हो रहा है एक और एक और एक और मामा के लिए एक एक हो गया ओके फाइन देखो मामा भी आती है एक मिनट देव देखो जब तक मैं हूं मेरा पूरा फायदा उठा लो मैं तुम्हें आज शेव करनी सिखाता हूं ये देखो इसे कहते हैं फोम ये चेहरे पे लगाते हैं जिससे त्वचा मुलायम हो जाए ठीक है और ये यहां से निकलता है अब आ, हाथ पहुंचे और आईने के सामने आकर इसे कहते हैं रेजर हाँ अब ये रेजर से दाढ़ी बनाई ऐसे दाढ़ी बनाई लेकिन ध्यान से सावधानी से नहीं तो कट जाएगा तुम क्या कर रहे हो अरे देव को दाढ़ी बनानी सिखा रहा हूँ और क्या देव को शेर उसे खुद खाना तक नहीं आता और उसकी दाढ़ी भी नहीं है सर पे बाल तो है ना मम्मी आज नहीं तो क्या हुआ पंद्रह सोलह साल के बाद भगवान सुख रखेगा तो जरूर आएगी तब तब क्या अमृता तुम ये सब नहीं समझोगी ये सिर्फ एक बाप ही अपने बेटे को सिखा सकता है और मैं तो तब रहूंगा ही नहीं मैं तो मर जाऊंगा you know अमृता देखो ये मर्दों का मामला है की दाढ़ी का मामला है क्यों तुम हमें करने दो जो हमें करना है तुम जाओ अपना काम करो ये देखो अब इस तरह पता नहीं और क्या-क्या झेलना -क्या पड़ेगा? Yes, ये काटा और ये पानी में डाल के रेजर को धोया। डेयरस देव, आज तुमने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। सत्या भाई? हम्म, hmm. आज क्या तारीख है? 28, दो दिन के बाद मेरा पगार आए। दो दिन सत्य भाई, सत्य भाई, को भाई को, मैं मर रहा हूं। मेरे को है। है मेरा मतलब है अभी अभी हाय। हाय, हाय, कैसे मर सकते हैं? दो दिन के बाद मरने का आपको। क्या हुआ मैडम वो साहब मर रहे अमृता,

इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं मेरे बाद तुम्हारा और देव का क्या होगा क्या होएगा साहेब मैडम किस किस को संभालेगी खुद को संभालेगी बच्चे को संभालेगी क्या आपके माँ बाप को संभालेगी मैडम मैडम मेरे को लगता है साहेब जाएगा दो मिनट के अंदर साहेब जाएगा सत्या भाई तू चुप कर तू साहब को हार्ट अटैक देकर रहेगी क्या उस पंडित के बकवास से नहीं तो तुम्हारी बातों से जरूर मर जाएंगे साहब जय तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तुम आज पूरा दिन आराम करोगे समझे वो चिट्ठियां नहीं और वो कैंपेन नहीं मैं कैसे आराम कर सकता हूँ मुझे तुम्हारी और देव की भी तो फिक्र करनी है नहीं नहीं तुम लोग जाओ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो मुझे बहुत कुछ सोचना है चलो सत्या भाई इसका हाल बहुत खराब है मेरी बात सुनो